उत्तर प्रदेश में एक हफ्ते के भीतर दूसरा ट्रेन हादसा हुआ है। कानपुर और इटावा के बीच औरैया जिले में बुधवार तड़के आजमगढ़ से दिल्ली जा रही 12225 अप कैफियत एक्सप्रेस डंपर से टकराने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके बाद ट्रेन के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में 78 लोग घायल हो गए हैं। हादसे के बाद चारों ओर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसी बीच भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने भी इस हादसे पर अपने गुस्सा जाहिर किया है और घायलों के जल्द ठीक होने की उम्मीद जताई। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, इतने कम समय में एक और ट्रेन हादसा, सही सुरक्षा मापदंडों से क्या इसे रोका नहीं जा सकता था। आशा करता हूं कि यह घायल जल्द ही ठीक हो जाएंगे। उनके इस ट्वीट पर बड़ी संख्या में लोगों ने प्रतिक्रिया दी। एक शख्स ने तो यह तक कह दिया कि पॉलिटिक्स में कब आ रहे हो। बता दें कि पिछले 4 दिनों में 2 बड़े रेल हादसे हुए हैं। शनिवार को ओडिशा के पुरी से उत्तराखंड के हरिद्वार जा रही कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के खतौली में हादसे की शिकार हो गई। उत्कल एक्सप्रेस के 14 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसमें करीब 2 दर्जन लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा मंगलवार देर रात उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर में कैफियत एक्सप्रेस पटरी से उतर गई है। 4 दिन में 2 बड़े रेल हादसे होना चिंता का विषय है।